प्रस्तुत करुछंती बालाजी मधुकुंज नंबर वन अगरबत्ती पावर्ड बाय रुचि मसाला 40 साल आपके साथ। शिव पत्नी सती मु बंदिनी मु तुम्हारी अपेक्षा रे ही थिली मो अपेक्षा रे ता अर्थ तुम्हें जानी थिलो जे मु एई पथ दे आसीबी एई पथ रे न आसीले स्वामी को संधान पाइबो केमिति ता अर्थ से एई ठारे अछंती अच्छा तुम्हें तांको बंदी करी रखी जो सती नितांत अज्ञानतार वाक्य कहुच तमें सी जोगेश्वर सी सनातन सी रुद्र तांको कौन बंदी करी रखी हब से स्वेच्छारे मो अधीनस्थ होती एहा तुम मनर भ्रम बंदिनी सी पीना कपाणी सी पशुपति सी नीलकंठ कहार अधीन हुंतिनी सी भूल सी भक्तर अधीन मु विश्वास करू नहीं बंदिनी विश्वास करू निजे से स्वेच्छारे तुम अधीन अच्छा सी एक नारी प्रति अनुरक्त आई नारी मु शिव पत्नी सती सी अन्य कौन सी नारी रही पारे निज प्रेम उपरे विश्वास दाक्षायनी प्रेम विश्वास देह एवं आत्मा भली विश्वास न थिले प्रेमर मूल्य कौन सती तुमो थारु मो प्रेम सतगुण शक्तिशाली सेइथिपई मु तांकु तमो पाखरु नै आसिबारे सफल होइछि मु आउ थरे कहुछि बंदिनी मु तुम कथा को विश्वास करू नाही जदि रुद्रदेव स्वयं मो सम्मुख को आसी कहिबे जे से स्वेच्छारे तुमर अधीन तेबे चाहि मु विश्वास करबी नचित नाही चतुरता करूछ मो संगरे चतुरता एहा मध्यरे तुम्हें कि प्रकार चतुरता देखिल निश्चय तुमर अनुचर मानू पाखरे रखिछ स्वामी को हरण करि नै जीव बोली एई उद्देश्य रे आसिछ त बंदिनी मो प्रेम ही मते एई स्थान को टाणी आनिछि प्रेम मु तांको पाइछि मो प्रेमर बळरे तांको प्रेमिका रूपरे तमे को रूपरे तांको पाइछ सेविका है मुझे पाई मो तपस्या द्वारा कठोर तपस्या करी तमें कौन करपस्या
नाही तो मो तपस्या थिला बहुत मधुर कौनसी कष्ट नथिला बिंदुए मात्र क्लेश नथिला मो निजको कष्ट देछि तांको पई दिन दिन मास मास वर्ष वर्ष धरी भोग करे दिन काटिछि मो तमे केते कष्ट देछ निजको दिन टिए बि नुहे तांको तपस्या मोर क्लेश हरण करिछि देछि अनाबिल आनंद मु तांको टाणी आनिछि तांको कैलासरु आउ मु मो तपस्या रे हि तांको फेरे नै जिबे तांको प्रिय स्थान कैलासकु अर्थात हरण करि नै जिबो तांको ना से नीचे ही आसीबे इत्ते अहंकार अहंकार नुहे बंदिनी विश्वास मु निजे तपस्या बल रे तांको अधिकार करिछि मु तांकर अधिकारी तुमे किए मु केवल तांकर भक्त तांको अधिकार करिवार बासना मोर नाही अधिकार उत्तम ताहले एई क्षण एई तर्कर निष्पत्ति हे जाउ सीए स्वयं प्रकटित हे कहिबे सीए कहार बेस सी कोठी बंदिनी तुम्हें कौठी चतुर्दिग एम धुआ छन्न हो गला कहीं बंदिनी तुम्हें कौठी तुम्हें कौठी छलनान आश्रय नहीं छ तुम्हें बंदिनी शिव प्रिया सती सह चंचकता करी छ तुमको मु खोजी बाहर करी भी निश्चय तांकु भी कैलास को मु निश्चय फेरे नहीं जीवि यह शिव प्रिया सतीर प्रतिज्ञा यह शिव प्रिया सतीर प्रतिज्ञा जोगिनी 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 रुंगी माँ कौठी सुनुछ तुमने उठा माँ कौठी माँ कुआडे गले माँ आसो मो संगरे माँ 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 बंदिनी कौठी अच्छा तुम्हें मो सहित छलना करुछ तुम्हें मो सहित मो सम्मुख को आस बंदिनी एते सहजरे मो हार स्वीकार करिबि नि जोगिनी साहस अछि त प्रकट हुअ प्रकट हुअ प्रकट हुअ प्रकट हुअ हे प्रजापति मोर मन हेउछि यज्ञ कार्यरे आउ विशेष विलम्ब हेबो नाही महामंत्री यज्ञ स्थल निर्माण कार्य केते दुर्गला महाराज देवशिल्पी विश्वकर्मा तांक कार्य आरंभ कर दैछन्ती खूब शीघ्र ता संपूर्ण हे जीव त्रिभुवन रे एभळी यज्ञ या पूर्वरु केबे भी हेनी हे प्रजापति श्रेष्ठ एभळी सुविशाल यज्ञ रो आयोजन एकमात्र आपणक पक्षे ही संभव सारा संसारर समस्त प्राणी देवता देवी यक्ष गंधर्व सुरासुर समस्त ए यज्ञ रे उपस्थित रहिबे एही संवाद निश्चित भावे से श्मशानवासी शिवर कर्ण रे प्रवेश करिछि तेणु से तत्क्षणात
पलायन करिछि। महाराज महाराज अनधिकार प्रवेश करिथिबा हेतु मु दुखित मु जाने आपण राजकार्यरे व्यस्त अछन्ति आपण के एक अनुरोध करिबार थिला महाराज महादेवंक संधान मिलिबा पूर्वरु आपण यज्ञ कार्य करन्तु नाही कोण दयाकरी मो अनुरोध रखंतु कन्या सती को आपण साहाय्य करंतु ता स्वामी महादेव को खोजी पाई बला कि महाराज पिता हिसाब रे ये आपण कर परम कर्तव्य मूर्ख नारी तमें जानो तमें कौन कहो चो महाराज वाक्य संयत करंतु ए भली वाक्य रे व्यवहार आपन को स्वभाव पाउनि महाराज आपन भूली जाउ चंती मु महाराणी प्रसूति आपण करे पत्नी मूर्ख नारी तमे तेणु ए भली वाक्य कहछ मु मो महायज्ञ स्थगित रखि से श्मशानवासी भिकारी रो संधान नेबी ए कथा कहिबा को तमरो आस्पर्धा हेले केमिति प्रसूति तमे मोर स्त्री स्मरण रखिबो स्त्री रो कर्तव्य निज स्वामी रो अनुसरण करिबा आउ नारी रो स्थान पुरुष रो पाद तले ए कथा जेतिकी मने रखिबो सेतिकी तमोर मंगल महाराज दूर हे जाओ राजसभारो नचेत मो भूली जेबी जे तमे मोर सहधर्मिणी बोली शीघ्र चली जाओ शांत हूं दक्षराज शांत हूं ये भले क्रोध आपन को शोभा पाए नी ये आपन कौन कहते ऋषि भर मोर सहधर्मिणी से शंकर प्रति सहानुभूतिशील मते से शंकर निमंते मोर महायज्ञ स्थगित करने को कहि तापर भी मु क्रोधित होबिनि शांत हुंतु महाराज शांत हुंतु महाराज ए महायज्ञ रे कोनसी महाकांड घटिबा को जाउची तार फल किंतु शुभ हबनि महाराज हबनि शुभ ठीक कहो जो महाराणी गोटिए मात्र महाकांड घटिबा को जाउची तमो कन्या सती मथा नत करी तार पितृ गृह रे पदार्पण करिबो आउ मो पाद तले आश्रय ग्रहण करिबो देखिबो रुह महाराणी मोर ए भविष्यवाणी मध्य ठीक हबो
कोठी अच मा तुम्हें देखा दियो मा 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 तुम पुत्र माने तुम बिना असहाय मा मा कोठी तुम्हें देखा दियो सखी सखी कोनो से विपद घटिनी तो जी स्वयं सत्य स्वरूपणी ताको को विपद स्पर्श करबो हिस्सा पशु का स्वर ए ए यरनी रे पशु भी अछंदी एथर हमें कौन करबा ए ए ए अंधेरे में पाटे भी चली होबनी मा 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 कोड़े गले Thank you.